सो हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा हर साल 6 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और थीम क्या है इसकी? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। वैसे 6 अप्रैल को दो और दिवस होते हैं, एक तो होता है नेशनल हैंडलूम डे, हिंदी में बोलोगे तो राष्ट्र हस्त निर्मित दिवस। ये एक्चुअली में अप्रैल के पहले सैटरडे को, पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार हमने इसको 6 अप्रैल को मनाया, और 6 अप्रैल को एक नेशनल लाइब्रेरी डे भी मनाया जाता है, राष्ट्र पुस्तकालय दिवस। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि डीआरडीओ ये उड़ीसा के चांदीपुर के समान एक नया प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पे बना रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आपको पता है डीआरडीओ जो भी हथियार, जो भी वेपन, जो भी मिसाइल वगैरह तैयार करता है, बनाता है, उसकी टेस्टिंग ये करता है। और टेस्टिंग कहाँ पे करता है? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में करता है। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो टेस्ट फायरिंग रेंज है ये हमारा छोटा पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं। तो अब ऐसी डिमांड आ रही है कि इस तरह का एक और हमारे पास टेस्ट फायरिंग रेंज होना चाहिए। तो डीआरडीओ उसको अब तैयार कर रहा है, बना रहा है एक अलग से टेस्ट फायरिंग रेंज, कहां पे? पश्चिम बंगाल के जुनुपुट गांव में। और ये दोनों के दोनों, जो उड़ीसा का चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज जो हमारे पास अभी है, और अब एक और बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल के जुनुपुट गांव में, तो ये दोनों के दोनों आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल में ही स्थित है। डीआरडीओ के स्टैटिक की अगर हम बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1958 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, और चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत है। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 19वीं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। सिंपल सा आप तो याद रखो ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता 2024 में कौन कर रहा है? तो आंसर होगा कजाकिस्तान कर रहा है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या होती है? अस्ताना। और यहीं पे इसकी बैठक हुई शंघाई को। और कौन सा संस्करण है ये? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक का 19वां संस्करण है। अब पहले हम कजाकिस्तान की स्टैटिक देख लेते हैं। मैप में आपको दिखाता हूँ कजाकिस्तान कहाँ पर है। ये रहा मैप में कजाकिस्तान। कैपिटल इसके अस्ताना होती है, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। बाकी मैप से आप देख सकते हो ये अरल सागर है। तो अरल सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री यही तो है कजाकिस्तान, आप देख भी पा रहे होंगे। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई में नहीं है, बीजिंग में है, जो कि कैपिटल है चाइना की। और इसमें अभी दो देश शामिल हो गए हैं। अभी 2024 में 10वां देश कौन सा शामिल हुआ है, ये होमवर्क प्रश्न है आपके लिए। पिछले साल 2023 में इसका 9वां सदस्य देश कौन सा बना था, ये मैं बता देता हूँ, ईरान बना था। 10वां कौन सा बना था ये अभी आप बताओ, आगे प्रश्न आएगा जब मैं आपको करवाऊंगा, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। इस प्रश्न को हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, अब तो ये नाम आपको याद हो गया होगा। नाम क्या है? बिल्किस मीर। अब चलो, पेरिस ओलंपिक मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया, तो दो चार प्रश्न अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ। चलो दो ही प्रश्न पूछता हूँ, बिल्कुल सिंपल से। जो उद्घाटन समारोह है, ओपनिंग सेरेमनी, इसमें हमारे भारतीय ध्वजवाहक कौन है? और जो क्लोजिंग सेरेमनी है, समापन समारोह, उसमें हमारे अभी ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? ये दो प्रश्न मैंने आपसे पूछे, उत्तर दीजिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किसे नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया है, कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मिनेश शाह बन गए हैं। ये जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये देश में डेयरी सेक्टर के विकास के लिए काम करता है, जिसके अध्यक्ष अभी मिनेश शाह बन गए हैं। और ये सारे ऑप्शन में देखोगे शाह 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 है, तो ये सारे नाम देख लेते हैं। अनीश शाह फिक्की के नए अध्यक्ष बने, और समीर शाह ये बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने थे, और जय शाह आप जानते हो बीसीसीआई के सचिव हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये अभी अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, आप में से कौन मुझे बताएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी नए अध्यक्ष
चुन लिए जा चुके हैं जो कि जनवरी 2025 में अपना पद संभालेंगे। नाम क्या है उनका? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो अध्यक्ष हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नाम आप बता दो, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 51 नंबर पर है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 की बात कर रहे हैं, और इस रैंकिंग को जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें बताया गया कि बिजनेस करने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा है, और इसमें आप देखोगे टॉप पे सिंगापुर है। लगातार 16वीं बार इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में सिंगापुर टॉप पे रहा है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे अमेरिका, भारत 51 नंबर पर है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कौन कर रहा है, तो आंसर होगा सऊदी अरब। ये अप्रैल में हुआ था ये समिट। क्या बोलोगे? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहां पे हुआ था, याद रखना सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो रियाद होती है, सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया, तो ये हर साल हम 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। क्यों मनाते हैं 7 अप्रैल को? क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए 7 अप्रैल को। वैसे WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड है टेड्रोस अदानोम। और वैसे इस डे की थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की अभी खोज की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना इसको। इसका तो उत्तर हो जाएगा कैलिस्टो। तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर, इसका एक उपग्रह सैटेलाइट है कैलिस्टो, और उसी पर अभी ओजोन गैस की खोज की गई है। खोज किसने की है? भौतिकी अनुसंधान लैब, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। तो ये तो प्रश्न हो गया और ये उसका उत्तर हो गया। बाकी ओजोन की यहाँ पे बात हुई है, इसके थोड़े से स्टैटिक देख लो। पृथ्वी पे अगर देखें तो ओजोन परत ये आपको कहाँ पे मिलेगी? जो ऊपरी ऊपर हमारे परत है, समताप मंडल जिसे आप बोलते हो, स्ट्रेटोस्फीयर, वहीं पे ओजोन पाई जाती है। और वातावरण में ओजोन की मात्रा मापने के लिए डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। आपको बताइए इसका काम क्या होता है? सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको रोकने का एक काम करती है। और ओजोन लेयर के क्षरण के लिए जो मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आमतौर पर फ्रेयॉन के रूप में भी जाना जाता है, और जो हम एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह यूज करते हैं उससे ये रिलीज होती है। और इसके क्षरण को रोकने के लिए ही 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसीलिए तो 16 सितंबर को हर साल हम वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवा दी एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम देविका है, याद रखना। ये भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहां पे लॉन्च किया गया इसको? तो केरल में लॉन्च किया गया। इसी तरह से एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा, अभी अमेरिका में भी एक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लॉन्च किया गया था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम डेविन था। और इसे किस कंपनी ने बनाया था? उसे कॉग्निशन नाम की कंपनी ने तैयार किया था। अब आप पूछोगे देविका को किसने तैयार किया? तो केरल के 21 साल के एक लड़के हैं जिनका नाम है मुफीद, और उन्होंने ही ये भारत का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, जिसका नाम इन्होंने देविका रखा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की पहली AI फिल्म, उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे इराह, इराह उसका नाम है। और अब एक प्रश्न का उत्तर आप देना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया था? क्या नाम है उसका? नाम बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। और हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल है, क्या नाम है? राकेश पाल उनका नाम है। और अभी उन्होंने ही अभी अप्रैल के महीने में ही तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया था।
बाकी भारतीय तटरक्षक बल की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की बात करें, स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 में, और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? रुस्तम जी समिति। और भारतीय तटरक्षक बल का जो पहला जहाज था उसका नाम था ICGS कुठार। पहले महानिदेशक थे वी ए कामत, और अभी कौन है? राकेश पाल। हमने कहा इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षा होता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इतने क्वेश्चन का हमने रिवीजन कर लिया, जितने क्वेश्चन मैं आपको कराता जा रहा हूँ बस उनको ध्यान में रखते जाओ, और आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन होता जाएगा। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, काम की बात, जो आपकी टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स ये जो रिवीजन वाले वीडियो देखते हैं, कम से कम आप तो वो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, मतलब उसे देखें, उसका टेस्ट लगाएं। जो स्टूडेंट नहीं देखे वो वीडियो में बता दूं, क्वेश्चन में आपको देता हूँ, साथ के साथ मैं भी आपके क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद 5 से 6 सेकंड का आपको वक्त भी देता हूँ ताकि आप आंसर लगा पाओ। अगर आप आंसर नहीं लगा पाते हो, आपको आंसर नहीं पता, तो हैंड टू हैंड में आपको आंसर भी बता देता हूँ ताकि वो आपको याद रहे। फिर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर वो क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे, या फिर अगर वही क्वेश्चन वापस से कहीं किसी और टेस्ट में रिपीट होता है, तो अगली बार आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इतने ध्यान से आपको उसको पढ़ना है। और देखो, आप लोग देखोगे, आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं, अगर रेस्पॉन्स नहीं आया तो फिर उसे बंद करना पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता उसे बंद करें, क्योंकि डेफिनेटली आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। बाकी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, शेयर करोगे तभी तो रेस्पॉन्स बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।